जिस गली में शिये का घर है वो गली अलग होनी चाहिए, उस गली से अली की खुशबू आनी चाहिए, और अगर वो उस गली में रहता है तो उसकी गली से उसकी खुशबू आती है। तेरी घर तेरा नहीं, अल्लाह का है। जब गली अल्लाह की है तो गली को साफ भी ऐसे किया कर क्योंकि तेरी अल्लाह की ज़मीन है। मस्जिद की ज़मीन अल्लाह की है क्योंकि मैंने समझा कि अल्लाह की है, यहाँ सफाई भी है यहाँ सुथराई भी है, लेकिन मैंने गलियों को रोडों को ख़राब रखा क्योंकि मैंने उनको अल्लाह का नहीं समझा। मेरी तौहीद मस्जिद पर आके ख़त्म होती है, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ, जब गलियों में जाता हूँ, जब मुस्लिम सोसाइटी में जाता हूँ तो मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह नज़र नहीं आता। और ए जवान याद रखना, गंदी मेली गलियों में साफ सुथरे जहन पला नहीं करते। वजूद साफ होगा तो जहन साफ होगा, कपड़े पाक होंगे तो जहन पाक होगा। जब पूरा वजूद साफ कर लो तो जहन साफ हो जाता है, और जब जहन साफ हो जाता है तो खुदा तुझे साफ सुथरे पाक व ताहिर इमाम भी अता कर देता।